तो लॉकडाउन चार के पहले दिन अन्य राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश ने भी अगले चरण के लिए अपने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश में भी 31 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। नई गाइडलाइन के अनुसार राज्य में दुकान खोलने को लेकर ढील दी गई है। राज्य में मेट्रो सेवाएं इस दौरान बंद रहेंगी। उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि प्रदेश में 31 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। इस दौरान प्रदेश में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध बरकरार रखा गया है। मेट्रो रेल सेवा भी इस दौरान प्रतिबंधित रहेगी। जाने क्या खुला क्या रहेगा बंद। दुकानें खुलेंगी लेकिन दुकानदार को मिली जिम्मेदारी। सरकार की ओर से कहा गया है कि जो दुकानें खुलेंगी उन्हें इस बात का ख्याल रखना होगा कि अगर ग्राहक ने मास्क नहीं पहना तो उसे सामान ना खरीदने दे। इसके अलावा सभी बाजार अलग अलग दिन के हिसाब से खोले जाएंगे। इस पर फैसला जिले के अधिकारी व्यापार मंडल के साथ बातचीत कर लेंगे। यूपी सरकार ने मिठाई की दुकानें खोलने की अनुमति दे दी। प्रदेश में अब मिठाई की दुकानें खोली जा सकेंगी लेकिन वहां सिर्फ बेचा जाएगा, कोई दुकान में बैठकर खा नहीं सकता। इसी तरह रेस्टोरेंट खुलेंगे लेकिन सिर्फ होम डिलीवरी हो पाएगी। निर्देश के अनुसार प्रदेश में बारात घर खोले जाएंगे लेकिन शादी के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। इससे ज्यादा मेहमान नहीं बुला पाएंगे। स्ट्रीट वेंडर और पटरी व्यवसायी अपना कार्य कर सकते हैं लेकिन इसके लिए उन्हें फेस मास्क और ग्लव्स पहनने के साथ सामाजिक दूरी का पालन करना होगा। प्रदेश सरकार ने कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य जोन में कई गतिविधियों की अनुमति दे दी है। कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी फैक्ट्रियां खुलेंगी लेकिन मास्क पहनने के अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखना होगा। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज में कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी के लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।